बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो पे। तो अभी का बहुत बड़ा अपडेट दे दूँ। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे लोग साइट के माध्यम से अपना रिज़ल्ट देख लिए होंगे, लेकिन वैसे जो छात्र हैं अभी तक रिज़ल्ट नहीं देख पाए हैं, उन लोग के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने आ गया हूँ। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत जो 2019 में बहाली निकाली गई थी, लगभग 6,300 पदों पे जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों पदों के लिए निकाला गया था। इनका फाइनल रिज़ल्ट जो है आज यानी कि 3 अप्रैल 2022 को पब्लिश कर दिया गया है, अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो चलिए कुछ कट ऑफ आप सभी को बताएंगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वालों का, जिससे थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका रिज़ल्ट है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज यह जो है कल के डेट का है, लेकिन पब्लिश आज किया गया है साइट के माध्यम से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर में 2 अप्रैल 2022 का डेट दिया गया है, पत्रांक 636 है, और यहाँ पे देखा लिखा गया आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 01/2019 का नहीं, अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। यहाँ से लिखा गया है सामान प्रशासन विभाग के माध्यम से कुल 8 तकनीकी विभागों से कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त रिक्तियों की अधियाचना के आलोक में समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित किया गया, और यहाँ पे वही सब चीज़ लिखा गया है। और लास्ट में यहाँ पे दिया क्या गया है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 की खंडिका 10 एवं 11 के अनुसार प्राप्तांक के आधार पर मेगा क्रमानुसार अभ्यर्थियों द्वारा अधिमानता के क्रम में दिए गए विकल्प एवं संबंधित विभागों के आरक्षण रोस्टावार रिक्त पद की उपलब्धता के अनुसार कोटिवार विभागों का आवंटन करते हुए निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन किया गया एवं विज्ञापन आवंटन, ठीक है, किया गया, जिसका कट ऑफ एवं कुल कोटिवार चयनित की संख्या नियमवत है। ठीक है, जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है उनको उनके विभाग के साथ जो है कि ईमेल और मैसेज टेक्स्ट कर दिया गया है। तो वैसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो गवर्नमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। और भी कोई जो यह देखना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या गया है, तो आप देख पाएंगे कनीय अभियंता असैनिक 60% में क्या रहा है, तो जनरल का रहा है 75.5128 और वही महिला का गया है 59.312, ठीक है। और इसमें बात कर ले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, तो इसमें 57.383 गया है, और अनुसूचित जाति के लिए 54.825 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 55.833 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए 59.124 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 63.825 है, और यहाँ पे साफ साफ तौर पे लिखा गया है कट ऑफ मार्क्स जो है दिया गया है, और यहाँ पे महिला का है, यहाँ पे लिखा गया है पिछड़ा वर्ग महिला 49.191। तो कुल इस प्रकार से 60% में कुल 3,493 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जिसमें से 35% आरक्षण के तहत महिला 1,040 है। अब 40% की बात कर ले सिविल में यानी असैनिक में, जो कि गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्रों का है, तो पुरुष में 58.6666 गया है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनका गया है 51.733, और जो अनुसूचित जाति से हैं उनका 52.8 गया है, और जो अनुसूचित जाति से है उनका 54.006 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है जो उनका 58.599 है, और जो पिछड़ा वर्ग से उनका 58.4666 है। वही बात कर ले पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का, तो 51.8333 गया है। तो यह सिविल का है कटअप, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। नीचे में है दिव्यांग कोटा से जो भी है उनका यहाँ दिया गया है कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ कन्या अभियंता विद्युत का दिया गया 60% में, तो आप देख सकते हैं कि अनारक्षित का 65.625 गया है, ठीक है। वही पिछड़े वर्ग की बात कर ले तो इसमें 64.2672 गया है। तो यहाँ पे है अब कन्या अभियंता विद्युत 40% में है, तो देख ले अनारक्षित की बात कर ले तो 61.566 गया है, तो आप देख सकते हैं। और ये आपका 75% मार्क्स है, ठीक है, नहीं कि 100% मार्क्स है।
अब इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे है दिव्यांग कोटा से जो भी है और स्वतंत्र सेनानी से है उनका यहाँ पे दिया गया है। तो फीडर फाइटर में इसमें दो दो है, चयनित भी दो किए गए हैं, कटअप नीचे नीचे दिया गया है। अब नीचे आए तो अब यांत्रिक का है, यानी कि जो मैकेनिकल से थे 60% में उनका कटअप है। जनरल की बात करें तो 61.65 गया है। ठीक है, कुल इसमें जो है कि सिलेक्शन जो है कुल 297 सिलेक्शन हुआ है। वही आते हैं 40% में, तो 40% में जनरल का गया है 57.6, 57.6 कटअप गया है। तो इस प्रकार से कटअप है। ओवरऑल देखा जाए तो कटअप जो है हाई गया है, और इसमें जो है कि 2019 में पास आउट थे उनको भी सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है उपरोक्त उच्च न्यायालय में लंबित वादों में अंतिम आदेश के आलोक में मेधा सूची चयन प्रभावित होगा, चयनित अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची निम्न है, आलोक मेधा सूची चयन प्रभावित होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया है कि उच्च न्यायालय में लंबित वादों में अंतिम आदेश के आलोक में मेधा सूची चयन प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से हो सकता है। डेट इट सेल बी ओपन फॉर द स्टेट टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, बट हाउ एवर इन द ऑर्डर अपॉइंटमेंट इट बी नोटिफाइड टू ईच वन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट दैट देयर अपॉइंटमेंट सेल बी सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पेटिशंस एंड दैट दे सेल नॉट क्लेम एनी इक्विटी। तो फाइनली जो है कि जेई यानी जूनियर इंजीनियर का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया बीटीएससी द्वारा, यही अपडेट है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, कंबाइंड रूप से 2019 में पास आउट जो भी छात्र हैं उनका भी रिजल्ट दिया गया है। तो फाइनली देखा जा रहा है कि इसमें असैनिक का जो है कटअप काफ़ी हाई गया है, यानी जो सिविल से है उनका कटअप काफ़ी हाई रहा है। इसमें सबसे कम कटअप की बात कर ले तो इसमें ईडब्ल्यूएस वालों का गया है 51.733। तो अभी का जो है कि सबसे कमज़ोर वर्ग जो है उभर कर आ रही है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वो, तो जैसा कि देख सकते हैं अभी अभी जो सरकार है उनका ये नीति भी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अब, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, नीतियाँ नहीं हैं, कुरीतियाँ हैं ये सरकार की जो मनमाना कर रही है। खैर चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा या फिर आगे का ज्वाइनिंग होगा और भी वैकेंसी जो आएगी उसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।